हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है और आज के वीडियो में हम एक्सेल के ही बारे में कुछ और भी फॉर्मूलाज के बारे में सीखेंगे। तो वो फॉर्मूले कौन से हैं जिनके बारे में आज हम सीखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं, वो है डेट डिफ फॉर्मूला, यानी कि डेट के डिफरेंस को हम कैलकुलेट करते हैं। ये बात हमने आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बताई थी, इसमें भी आपको बताता हूं कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, अगर हमें मंथ कैलकुलेट करना है तो इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे, आपको लिखना है कीबोर्ड से DATE डेट और आपको DIF लिखना है, DIF लिख दिया। अब आपको शिफ्ट प्रेस करके 9 नंबर अल्फाबेटिक बटन प्रेस करना है ताकि ये ब्रैकेट ओपन हो जाए। आप अगर टैब प्रेस करेंगे तो यहां पर आ जाएगी एरर, तो आपको टैब नहीं प्रेस करना है, इस तरीके से ये कर लेना है। सबसे पहले आपको राजू की डेट ऑफ बर्थ पता करनी है, यानी कि मंथ पता करना है कि कितने महीने के हुए। तो यहाँ पर इनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा दीजिए और फिर करेंट डेट, आज की डेट क्या है, 22/7/2021 है, तो यहाँ 22/7/2021 मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब कॉमा दीजिए, हमको चूंकि मंथ पता करना है तो डबल एडेड कोट्स में यहाँ लिखता हूँ एम, ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर जैसे ही प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आ रहा है 254 मंथ, यानी मंथ की अगर बात करें तो यहाँ पे 254 मंथ आ रहा है। और अलग अलग आप देख सकते हैं, यहाँ 374 मंथ, यहाँ 289 मंथ, यहाँ पे 266 मंथ, इस तरीके से ये आ रहा है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट होकर आ रहा है। अब यहाँ पर ईयर की बात कर लेते हैं, इज इक्वल टू डेट डिफ लगाएंगे, तो ये लगा लिया डेट डिफ, ब्रैकेट को ओपन कर लिया, ब्रैकेट को ओपन करने के बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कीजिए, कॉमा दीजिए, फिर करेंट डेट को सिलेक्ट कीजिए, कॉमा दीजिए। इस बार हमें ईयर कैलकुलेट करना है तो एक बार लिखना है केवल वाई, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, इनवर्टेड कोट्स को क्लोज कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। इनकी एज जो है 21 साल की हुई, यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ गया। इसी तरह से सबकी आ जाएगी अगर आप नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे इसको। अब बात कर लेते हैं डेज की, तो यहाँ पर लिखता हूँ डेट डिफ DIF और यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर पहला वाला डेट ऑफ बर्थ, मतलब की इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर लिया, कॉमा देंगे, करेंट डेट ऑफ बर्थ, करेंट डेट जो चल रही है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा दीजिए। इस बार डेज हमें पता करना है तो यहाँ डी लिखता हूं मैं और एंटर प्रेस कर देता हूं। 7752 दिन इनकी एज हुई, ये आपको फॉर्मूला कैलकुलेट करके बता रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आई होगी कि किस तरह से मंथ, ईयर और डेज बड़े ही आसानी के साथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं डेट डिफ फॉर्मूले की मदद से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।